नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। प्रतापगढ़ मां चंडिका महोत्सव 1001 कन्या भोज कार्यक्रम का प्रतापगढ़ सदर विधायक संगम लाल गुप्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी ने दीपोत्सव जलाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस मौके पर सदर विधायक ने कहा कि आने वाले समय में मां चंडिका धाम को बड़ा पर्यटन स्थल बनाने का कार्य मेरी सरकार जरूर करेगी। और सदर विधायक ने कहा कि मां चंडिका देवी के पास खुद की 50 से 60 बीघा जमीन है, जिससे कि बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मां चंडिका जी दरबार में आने का सौभाग्य मिला। महोत्सव में अल्हाब फौजदार सिंह जौनपुर ज्योति इंटर कॉलेज की बच्चों ने भी अपने जलवे दिखाए। इस कार्यक्रम का समापन सांसद प्रतापगढ़ करेंगे। प्रतापगढ़ से केशव पांडे की रिपोर्ट। विधायक जी, जो मां चंडिका महोत्सव का कार्यक्रम था उसका आपने शुभारंभ किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मां चंडिका देवी धाम एक पौराणिक स्थल है जी, और यहां हर साल एक महोत्सव होता है। तो इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, 3 दिन तक चलेगा। और मां का ये ऐसा धाम है, बहुत ही बड़ा सिद्धपीठ है हमारे इस प्रतापगढ़ का, अगल बगल 2-4 जिलों का। और इस माँ के पास 60 जमीन है, 66 जमीन है। और इसको हमारी व्यक्तिगत और सांसद जी की भी यही इच्छा थी, सरकार की भी यही इच्छा है कि एक बहुत ही विशाल पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाए। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, और जिसके जो कमेटी के लोग हैं इनके साथ नवरात्र के बाद हम लोग बैठेंगे DM की अध्यक्षता में, और इसमें कुछ एक नया आयाम दिया जाएगा।